हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूशन। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन ट्यूशन में। तो गाइस, लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो होगा साइटोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट फर्स्ट, और इसके बाद भी पार्ट्स डालती रहूंगी। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल ताकि आपको वीडियोस प्रोवाइड होती रहे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेल वॉज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर माइक्रोस्कोप बाय। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉबर्ट हुक, सेकेंड इज ल्यूवेनहॉक, थर्ड इज मेलपीकी एंड फोर्थ इज ग्रियो। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल को किसने देखा था? तो ये थे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इन्होंने सेल या कोशिका नाम दिया था इन 1665। और जो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने 1674 में सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा। तो ये कहा था ल्यूवेनहॉक ने 1674 में, और सबसे पहले सेल को अंडर माइक्रोस्कोप देखा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। जो तो सेल थ्योरी है, जो कोशिका का सिद्धांत था, वो किसने दिया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, सेकंड है रॉबर्ट हुक, थर्ड है हॉफ मिस्टर एंड फोर्थ है स्लीडन एंड स्वान। तो सबसे पहले जो सेल थ्योरी प्रपोज की थी, ये थे स्लीडन और स्वान। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है, ये राइट है। और इन्होंने 1839 में, तो इनकी एक बुक थी द सेल नाम की, तो इसमें अपनी थ्योरी को, सेल थ्योरी को प्रपोज्ड किया था। और इन्होंने जो थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी, वो थी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल। तो ये इनकी सेल थ्योरी थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल्स। तो ये इन्होंने अपनी पुस्तक द सेल नाम की एक बुक पब्लिश की थी, तो उसमें दी थी 1839 में। इसके बाद विर्चोव नाम के एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1855 में इस थ्योरी को आगे बढ़ाया था, इसका विस्तार किया था। और इन्होंने कहा था द सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जो सेल्स बनती हैं, वो अपनी पहले की जो एग्जिस्ट होती हैं सेल्स, उन्हीं से उनका निर्माण होता है। तो इस थ्योरी को, जो स्वीडन और सोन की सेल थ्योरी थी, इसको आगे बढ़ाया था और इसका विस्तार किया था विर्चोव ने 1855 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाई स्वीडन और सोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड है, उसकी डिस्कवरी किसने की थी? फर्स्ट है मिक्सचर, सेकंड है वॉन मोल, थर्ड है सोल्स एंड फोर्थ है बेंडा। तो सबसे पहले मिक्सचर ने 1868 में न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी। तो इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था, आइसोलेट फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ WBC। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उसके न्यूक्लियाई से मिक्सचर ने 1868 में न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था। तो जो न्यूक्लिक एसिड है, ये बना होता है मेड बाय न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है, जिससे कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करते हैं। तो ये होगा पॉलीमर। तो न्यूक्लिक एसिड की जो डिस्कवरी की थी, ये मिक्सचर ने की थी बाय न्यूक्लियाई ऑफ WBC। तो ये है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिक्सचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन। तो जो राइबोसोम्स हैं, वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं? तो वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? फर्स्ट है रेस्पिरेशन, सेकेंड है प्रोटीन सिंथेसिस, थर्ड है मूवमेंट एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो जो राइबोसोम्स हैं, ये
मदद करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और जो राइबोसोम्स हैं इसकी डिस्कवरी की थी पैलेट ने इन 1955। तो ये भी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है डिस्कवरी के बारे में कि किसका किसकी खोज किसने की थी, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कई बार। तो जो राइबोसोम्स है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हमारी मदद करते हैं, और इसकी जो डिस्कवरी की थी ये की थी पैलेट ने 1955 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल इज मेंटेन थ्रू। तो जो साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी है एक सेल से दूसरे सेल में, तो ये कौन मेंटेन करता है? फर्स्ट है स्टोमेटा, सेकंड है ट्रैकेट्स, थर्ड है वेसल्स एंड फोर्थ है प्लाज्मोडेस्माटा। तो जो कंटिन्यूटी बनाए रखता है सेल टू सेल प्लाज्म साइटोप्लाज्म की, तो ये होता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये होता है माइक्रोस्कोपिक चैनल। विच ट्रांसफर्स द सेल वॉल। तो यही होते हैं जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं वो साइटोप्लाज्म का सेल टू सेल में कंटिन्यूटी बनाए रखता है इन प्लांट सेल। तो ये है ऑप्शन नंबर फोर इज राइट, प्लाज्मोडेस्माटा। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी हुई होती है? फर्स्ट है लिपिड्स एंड प्रोटीन, सेकंड है प्रोटीन्स एंड थर्ड है प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स एंड फोर्थ है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन की। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेवंथ है मिडिल लैमेला इज अ पार्ट ऑफ। तो मिडिल लैमेला किसका एक पार्ट है? फर्स्ट है सेल वॉल, सेकंड है साइटोप्लाज्म, थर्ड है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड फोर्थ है सेल मेम्ब्रेन। तो जो मिडिल लैमेला होता है वो एक पार्ट होता है सेल वॉल का। तो जो सेल वॉल होती है ये प्लांट्स में पाई जाती है जो प्लांट्स को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है, उनका प्रोटेक्शन करती है। तो जो सेल वॉल है ये थ्री लेयर्स से बना हुआ होता है, इसकी थ्री लेयर्स होती हैं। तो ये होती है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला। तो ये है थ्री लेयर्स ऑफ सेल वॉल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब एट्थ क्वेश्चन है, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन पोस्टुलेट्स दैट। तो जो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है तो वो क्या पोस्टुलेट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है अब लिपिड बायलेयर विद सम एम्बेडेड प्रोटीन्स एंड सम प्रोटीन्स ऑन द सरफेस। सेकंड है लिपिड बायलेयर कोटेड बाय अ लेयर ऑफ प्रोटीन्स ऑन ईच सरफेस। थर्ड इज अ लिपिड बायलेयर कोटेड बाय अ लेयर ऑफ प्रोटीन्स ऑन द आउटर सरफेस ओनली। एंड फोर्थ इज अ लिपिड बायलेयर विद प्रोटीन्स एम्बेडेड इन इट्स एंड नन ऑन द सर्फेस। तो जो फ्लूड मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का वो पॉस्टुलेट करता है अ लिपिड बाय लेयर विथ सम एम्बेडेड प्रोटीन्स एंड सम प्रोटीन्स ऑन द सर्फेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल इन अ सेल इज। तो सबसे छोटा जो ऑर्गन ऑर्गेनल है अंग बोल सकते हैं इसको किसी भी कोशिका का, तो ये कौन सा है? फर्स्ट है लाइसोसोम, सेकंड है राइबोसोम, थर्ड है परऑक्सीसोम एंड फोर्थ है स्फीरोसोम। तो जो राइबोसोम है वो सबसे छोटा ऑर्गेनल है जो करता है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद, और 1955 में पैलेट ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो ये है सेकेंड ऑप्शन इज राइट, राइबोसोम। एंड टेंथ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट बाउंड ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो जो ग्वानिन है और साइटोसिन है इसको कितने इन दोनों को कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाउंड करके रखते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेकंड टू। तो ये है जो ग्वानिन और साइटोसिन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये होते हैं थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो सेकेंड ऑप्शन जो है ये राइट है। तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और एडेनिन और थाइमिन के बीच में टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो एडेनिन थाइमिन ग्वानिन एंड साइटोसिन जो ये हैं फोर बेस नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स
इन डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये डीएनए मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं कि डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है, तो ये फोर बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, तो ये हैं गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन। और जो आरएनए है उसमें थाइमिन की जगह पर यूरेसिल जो नाइट्रोजिनस बेस है ये आ जाता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है नाइट्रोजिनस पेयर्स में। तो जो गुआनिन और साइटोसिन है ये तीन बॉन्ड से बाउंड रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, जो एडेनिन और थाइमिन है या एडेनिन और यूरेसिल है ये हाइड्रोजन के दो बॉन्ड से बाउंड रहता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो गई है। अब आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी मिल जाएगा, तो आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।